हेलो हाय एवरीवन, मैं देवराज सिंह आप सभी का एक और नई वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड। ये आज हमारा टॉपिक होने वाला है, लास्ट तक आप जुड़े रहिए। कुछ स्पेशल केस के साथ आपको मैं एल्डिहाइड की IUPAC नेमिंग सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी नेमिंग की। एल्डिहाइड जो आज हम बात आपसे करेंगे वो उन नेम पर करेंगे जिसमें आपके दो दो CH ग्रुप हैं। कितने? दो CH ग्रुप हैं। दो CH ग्रुप के लिए किस तरह का केस हमको लगाना है वो ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर आप इस नेम में, पहले मैं इधर वाले पे सिखा देता हूँ जो जो गलतियाँ हम कर सकते हैं। अगर आपने जल्दबाजी में लॉन्ग चेन इस तरह से काउंट कर दी कि सर ये मेरी लॉन्ग चेन है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस नेम को, मतलब CHO ग्रुप को भूल जाएंगे। सीधी बात है, आप मिस्टेक कर चुके। इसके लिए रूल होता है वन CHO टू अनदर CHO। लॉन्ग चेन बननी चाहिए लेकिन किन के बीच में? दो LDIH ग्रुप के बीच में। तो नंबरिंग जो हमारी होगी वो किस साइड से होनी चाहिए देखते हैं। वन, एक यहाँ वन मिला, टू थ्री फोर फाइव, यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव। तो जो हमारे ये दोनों लोकेंट्स है, ये दोनों दो जो सब्सिट्यूएंट लगे हुए हैं ये दोनों एक जैसे हैं, इथाइल इथाइल, लेकिन उनको लोवेस्ट पोजीशन इस साइड से मिल रही है, इसलिए हमारी जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो हमारी कहाँ से होनी है? वो नंबरिंग हमारी स्टार्ट होगी यहाँ से, वन टू थ्री फोर फाइव। पहला सब्सिट्यूएंट इथाइल है, कौन सी पोजिशन पर है? टू पर है सर। दूसरा सब्सिट्यूएंट भी इथाइल है तो थ्री डाई इथाइल। और पांच कार्बन है तो पांच कार्बन के लिए पेंटेन, लेकिन क्या ई नहीं बनाएंगे, और 1.5 डाइल। ठीक है, तो ये ऐसे आपके IUPAC नेम है जिसमें दो दो CHO ग्रुप होते हैं। ठीक, तो ऐसी अगर कंडीशन है कि दो CHO ग्रुप बन रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आप एक CHO से लेके दूसरे CHO तक जाएंगे। और कुछ IUPAC नेम देखते हैं। दूसरा हमारा IUPAC नेम है, इसमें हमारे दो के बजाय क्या है? तीन CHO ग्रुप हैं, देख सकते हो आप। तो IUPAC ने, आप अगर मान लीजिए इसको ऐसा नंबरिंग कर दो कि वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये गलत हो जाएगी। वन टू थ्री फोर ऐसे करोगे वो भी गलत हो जाएगी। तो IUPAC ने हमें इसके लिए एक रूल बताया है, सुन लीजिएगा। जब भी तीन CHO ग्रुप किसी कार्बन चेन में लगे हों तो हमें तीनों में से कोई सा भी काउंट नहीं करना है, और नंबरिंग उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पर करनी है जिससे वो तीनों CHO ग्रुप जुड़े हैं। समझते हैं? यहां अगर आप देखें तो मैं नंबरिंग कर रहा हूं वन टू थ्री, ये तीन CHO ग्रुप, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीन CHO ग्रुप इसी सबसे लंबी कार्बन चेन से जुड़े हुए हैं, सबसे लंबी कार्बन चेन से जुड़े हैं। ओके, वेरी गुड। तो अब हम क्या नेम करेंगे इसका? तो अब आप लिखेंगे सर प्रोपेन। प्रोपेन इस बार तो ई भी बना देंगे, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, ठीक, अब कॉमा नहीं आएगा, उसके बाद ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड। फिर से समझिएगा ध्यान से, प्रोपेन वन कॉमा टू कॉमा थ्री ट्राई कार्बल्डिहाइड, यानी उन तीनों के साथ हमने लिख करके उसको कार्बल्डिहाइड किया। ध्यान दीजिएगा, इस बार ट्राई अल नहीं लिखा है। ठीक है, जब अल लिखा जाता है तो CHO पर नंबर दिया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब AL लिखा जाता है तो CHO पर नंबर दिया जाता है, और जब CHO को नंबर नहीं दिया जाता है तो उसको कार्बल्डिहाइड लिखा जाता है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आपका ये एक नेम है। इस नेम में तो ये मानिए बहुत जल्दी मिस्टेक कर जाते हैं हम लोग। कैसे? हमने देखा तीन CHO ग्रुप है, वन टू थ्री, तीनों पर नंबर दे दिया। अब हमारे अकॉर्डिंग ये मिथाइल हो गया और ये क्या हो गया? इथाइल हो गया।
बस कर गए गलती। ऐसा करने पर हम ये मिस्टेक कर जाएंगे कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन किधर है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। और लोवेस्ट पोजीशन भी मिलेगी इसमें 2, 3 and 4। इधर से जाएंगे तो 3, 4 and 5 हो जाएगी, तो वो हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। हाईएस्ट नंबर को हम नहीं लेते हैं, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हुई। फिर से मैं ग्रीन से सिखा देता हूँ ये। और आपके 3 जो है ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें भी बहुत जल्दी मिस्टेक कर जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कितने 6 कार्बन के लिए लिख देंगे आप हेक्सेन। फिर 1 के बजाय इस बार कितने पर है, 2, 3, 4 क्या, ट्राई कार्बल डिहाइड। ये हम इस पे राइट कर सकते हैं। मैं समझता हूं आपको ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, ज्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस आपकी नहीं है, ठीक। चलिए और एक नेम देखते हैं, OCH CH2 CH3 CH2 CHO, और एक ये रहा और एक ये रहा। इसमें क्या है, ये भी एक स्पेसिफिक कंडीशन है, समझ गए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें हमें 3 CHO ग्रुप तो दिख रहे हैं, लेकिन तीनों के तीनों ग्रुप डायरेक्ट कार्बन चेन से लिंक नहीं है। ये वाला जो ग्रुप है, ये आप अगर नोटिस करेंगे तो ये साइड कार्बन चेन से हमारा जुड़ा हुआ है। साइड कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है तो सीधे इस बार नंबरिंग होगी 1, 2, 3, 4, 5। चाहे इधर से कर देते क्योंकि ये मिडल में है। सर, इस बार आपने 3 CHO होने के बाद भी कार्बन चेन में CHO ग्रुप पर नंबर लिखा है 1 से लेके 2 तक, क्योंकि ये वाला CHO ग्रुप अब हमारा मेन कार्बन चेन से लिंक नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या है, प्रायोरिटी पर नहीं रखेंगे। ये किस में चला जाएगा हमारा, ये हमारा प्रीफिक्स में रहेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे सर, CHO के लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर्माइल, ठीक, मिथाइल है तो ये देखो मिथाइल के साथ का ही, लेकिन उससे पहले कौन जुड़ा हुआ है, CHO ग्रुप, तो इसलिए फॉर्माइल मिथाइल, वो भी किस नंबर पर जुड़ा है, 3 पर जुड़ा हुआ है सर। 5 कार्बन के लिए क्या करना है सर, जी 5 कार्बन के लिए पेंटेन लिखना है सर। ये बना दूं इस बार, नहीं 2 के लिए नहीं बनाते हैं, नंबर लिखिए 1, 5 और डाइल, क्लियर। देखिए तो इस तरह की स्पेसिफिक केस भी आपको याद रखने हैं। इस कंडीशन में बच्चे बहुत जल्दी मिस्टेक करते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसका एक और जरा जो है कॉपी बना लेता हूं और तब आपको वहां पर इसका जो है मिस्टेक दिखाते हैं। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं आपको मिस्टेक बताने वाला हूं। इसमें हम क्या कर जाते हैं, जब हमने 2 CHO ग्रुप देखे तो तुरंत खुश होकर के 1, 2, 3, 4, 5 और ये सर क्या हो जाएगा इस बार, जैसे सर ने पहले बताया फॉर्माइल मिथाइल, इस बार हम लिख देंगे फॉर्माइल इथाइल 2 कार्बन के लिए। बस कर गई गलती यहीं पर, आपने लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या कर दिया, डिसोबे कर दिया। कैसे आप देखिएगा, ठीक है, कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब बताइए आप, अगर इधर से करते नंबरिंग तो 1, 2, 3, 4 लोवेस्ट नंबर आपका 3 है, यानी कि ये नंबरिंग भी हमारी करेक्ट है। और ये क्या हो गया हमारा, फिर से किस पर, 3 पर, 3-4-methyl मिथाइल, समझ गए। यानी पहले वाली ही कंडीशन हमारी क्या है, सेम है, फॉर्माइल मिथाइल, क्लियर मिथाइल। अब 6 कार्बन के लिए देखिए, हेक्सेन लिखेंगे और हेक्सेन में ई नहीं बनाएंगे, और 1, क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे और साथ में लिख देंगे डाई अल। तो मैं समझता हूँ आपको ये स्पेशल कंडीशंस जो मैं सिखा रहा हूँ IUPAC की, बहुत कम बुक्स वगैरह में भी ज़्यादा नहीं दिखाई देती है, मुश्किल से एक एक एग्जाम्पल दिए गए हों, तो आप आराम से हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़ करके ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को क्या करना पड़ता है, सब्सक्राइब, ठीक। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो इस क्लास में है 11th 12th में, उनके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल है।
मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी को फॉरवर्ड कीजिए ठीक हमारे चैनल के लिए। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशन थी। एक और है जो बच्चों को बहुत जल्दी कंफ्यूज कर देती है। मान लो ऐसे लिख दिया कि CH CHO होल थ्राइस, बच्चा कंफ्यूज, अरे अब क्या करूं, CHO होल थ्राइस लगा दीजिएगा, सी लिखिएगा एक साइड में एच लगा दीजिए, इधर CHO लगाइए, इधर क्या लगाइए CHO लगाइए, और इधर भी क्या लगा दीजिए CHO लगा दीजिए। ये एक ऐसा CHO ग्रुप उसने आपको दे दिया जिसमें आपका क्या कर दिया, सिर्फ एक कार्बन दे करके तीन 1 2 3 तीन CHO ग्रुप लगा दिए। कोई बात नहीं, इस बार लिखिए क्या मीथेन एक कार्बन के लिए 1.1.1 ट्राइकार्बल्डिहाइड, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मीथेन ट्राइकार्बल्डिहाइड। मैं समझता हूं आज के लिए आपका जो है एल्डिहाइडिक पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप के लिए। आप सभी का मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।